बीच में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन शुक्ला। बाराबंकी से लोकसभा प्रत्याशी तनुज पुनिया के द्वारा बंदोसराय चौराहे पर एक चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया और साथ ही एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह भी कहा गया कि बाराबंकी में रुके पड़े हुए कार्यों को पूरा कराएंगे और साथ ही यह भी कहा कि बंद पड़ी हुई फैक्ट्रियों को चालू कराएंगे। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। पार्टी का समर्थन कर रहे, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं कि आपने इतना सहयोग किया, इतना भारी इतना उत्साह दिखाया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फोन आया मेरे पास, मैं अपना नाम बताया, जीतोगे तो क्या करोगे हमारे लिए, तो मैंने सुना शुरू किया और वही मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ। अगर मैं जीता तो सबसे पहले तो ट्रामा सेंटर के कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में माननीय सांसद डॉक्टर पी एल पुनिया जी ने बनवाया था, उसको संचालित कराने का काम करूंगा। हितमापुर में जो पुल बचा हुआ है, जिसका वादा हर एक नेता के कर जाता है कि ये पुल बनेगा, आप हमें वोट दो, आप ये पुल बनेगा, आप हमें वोट दो, उस पुल के लिए संघर्ष किया जाएगा, उस पुल को बनवाया जाएगा। चीनी मिल और आपकी सूत मिल जो बंद पड़ी है, हमारे जितने क्षेत्रवासी हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, सब कोई रोजगार का स्रोत नहीं है इस बाराबंकी जिले में, उनके लिए वो मिल खुलाई जाएंगी। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, अलग अलग तरह की जो फैक्ट्रियां हैं वो खोली जाएंगी ताकि हमारे युवाओं को, हमारे क्षेत्रवासियों को यहां रोजगार मिल सके। 4 किलोमीटर बंधा बना है, वो 4 किलोमीटर का जो आखिरी में बचा हुआ है वो बनवाने का काम करेंगे कि आखिरी में बाढ़ ना आए, ये सारे काम मैं आपके लिए करूंगा। और सबसे और इसके अलावा जो पुरानी पेंशन बहाली है, जो सारे हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए संघर्ष भी किया जाएगा, रोडों पर उतर के संघर्ष किया जाएगा।